जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की अर्जी पर समाप्त टली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आर्टिकल 370 का हवाला। ये मामला आर्टिकल 370 से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 जुलाई को आर्टिकल 370 पर आईनी बेंच करेगी समाप्त। अर्जी की कॉपी मरकजी हुकूमत को दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। तो 11 जुलाई को आर्टिकल 370 पर आईनी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। उसी से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया और इस पर सुनवाई चली। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की अर्जी पर समाप्त चली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का हवाला देकर फिलहाल इसको टाल दिया है। यह मामला आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा 11 जुलाई को आर्टिकल 370 पर आईनी बेंच सुनवाई करेगी। अर्जी की कॉपी मरकजी हुकूमत को दी जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इंतखाब को लेकर यह सुनवाई होनी थी, चुनाव को लेकर यह सुनवाई होनी थी और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का हवाला देते हुए फिलहाल इसको टाल दिया है। ये मामला आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 11 जुलाई को आर्टिकल 370 पर आईनी बेंच अब सुनवाई करेगी, समाप्त होगी। तो अर्जी, आपको बता दें, अर्जी की कॉपी मरकजी हुकूमत को भी दी जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की अर्जी पर समाप्त टल चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसको टाल दिया है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की अर्जी पर समाप्त को टाला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का हवाला दिया है और कहा है कि यह मामला आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जी की कॉपी को मरकजी हुकूमत को दिए जाने की बात भी कही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन पर समाप्त फिलहाल टाल दी गई है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन को लेकर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी, लेकिन फिलहाल 370 की वजह से यह सुनवाई चली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को 370 से जुड़ा हुआ बताया है और 11 जुलाई को आर्टिकल 370 पर आईनी बेंच सुनवाई करेगी। अर्जी की कॉपी मरकजी हुकूमत को भी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की अर्जी पर समाप्त टाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का हवाला दिया है। 370 को लेकर अब सुनवाई की बात सामने आ रही है। पहले उसकी सुनवाई की जाएगी, उसके बाद असेंबली इलेक्शन के बारे में बात होगी, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की अर्जी पर समाप्त टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का हवाला देते हुए इसको टाल दिया है।